ये थंडरबर्ड है 350, ठीक है। चाइनीज पॉकेट चेंज करना है। चाइनीज पॉकेट चेंज करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ करना होगा, सबसे पहले आपको एक ये बोल्ट 8 नंबर, ये इसी तरह चारों तरफ से आपको 8 नंबर का मिलेगा, और दो यहाँ अंदर में मिलेगा, ठीक है। यहाँ एक नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ दो भी अंदर मिलेगा, इसको भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। बाकी सब खोलते हैं, इसको खोलने का ज़रूरत नहीं है, क्या इसका अंदर बोल्ट नहीं रहता है, ठीक है। और उससे पहले किक खोलेंगे, उससे ही पहले हम इसको फुट रेस्ट को यहाँ से 12 नंबर का बोल्ट को खोलेंगे, ठीक है। तो खोलने के बाद हम आपको दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ये जो पाइप देख रहे हैं, सॉरी तार जो देख रहे हैं, आपको खोल लेना है इधर से, इस तरह आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। निकालने समय आपको कुछ बात का ध्यान देना है, ठीक है। निकालने समय आपको कुछ बात का वो ध्यान देना है आपको, देखिए ये यहाँ पे एक बुश है, ठीक है। ये बुश आपका यहाँ पे फिक्स रहना चाहिए, ठीक है, यहाँ से हटना नहीं चाहिए। आप पल निकल गया पाइप दबे तो इसको लगा देना है, ठीक है। ये पोजिशन इसी तरह रहना चाहिए, ये ओरिंग देख रहे हैं यहाँ पे, यहीं जगह रहना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आप इधर काम कीजिए, वॉश कीजिए, साफ सुथरा करते हैं और फिट करके हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले चाइनीज पॉकेट का ये जो लॉक देख रहे हैं आप, इसको ऊपर की तरफ ऑफ कर देना है, ठीक है। और गियर लगा के इसको खोल देना है, ठीक है। ये फिक्स हो जाएगा, गियर लगेगा ये जाम हो जाएगा, जाम हो गया। इसके बाद आपके पास टूल्स है तो टूल्स के मदद से खोलिए, और ना झटका देके इसको खोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बस सबका तरीका अलग अलग है। ये खुल जाएगा बहुत ही आसानी से, लॉक साथ में आएगा नहीं आएगा, और ये बोल्ट सॉरी नट ये सब आएगा कंप्लीट। तो इसको भी वॉश कर लेंगे, और कैसे क्लीन करना ये भी हम आपको दिखाते हैं। ताकि खुलता बहुत नहीं है बार बार, ठीक है, शायद ही सर्विस में खुले, कोई सर्विस वाले खोले, और ना नहीं खुलता है, ठीक है। इसको आपको क्लीन ही कर लेना, प्रेशर वगैरह तो मराता है अंदर घुसा लगा के। सेम इसी तरह इसको भी हम क्लीन करते हैं एकदम, फिर आपको दिखाते हैं। ये रहा हमारा पॉकेट, कुछ इस तरह फिट कर देना है इसको, ठीक है। इस पॉकेट फिट करने के बाद आपको क्या करना है, लॉक लगाना है, ठीक है, इस तरह ही इसको लगा देना है। उसके बाद आपको बोल्ट टाइट सॉरी नट टाइट करना है, सब सीधा थ्रेड होगा, ठीक है। आराम से लगाइएगा लग जाएगा। आपके पास टूल है इसका तो यूज कर सकते हैं। मोटा से मारिएगा ताकि कटे नहीं है।
ठीक है, अगर कंप्लीट हो चुका है हम सिर्फ चैन इसमें रोल करके छोड़ देंगे। ये रहा न्यू चैन, चैन लॉक इसका अलग है इसमें, ठीक है इसको लगाते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं। इस चैन को हम सिर्फ इसमें रोल करके छोड़ देंगे घुसा कर, ताकि चैम्बर लग जाने के बाद ये चैन लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये जो प्रोसेस हम इस गाड़ी में दिखाए हैं ये प्रोसेस आपको सभी गाड़ी में अप्लाई कर सकते हैं, जितना भी आपको क्लासिक हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, थंडरबर्ड हो गया, ठीक है। ठीक है, लगभग लगभग इधर का काम ख़त्म हो गया है, सिर्फ आपको लगाने समय क्या क्या चीज़ का ध्यान देना है, एक बूश का, ठीक है, एक ये ओरिंग का, ठीक है, यहाँ पर फिक्स रहना चाहिए दोनों चीज़, मीन्स यहाँ पे लगा हुआ रहना चाहिए, अगर नहीं है तो दिक्कत देगा, ठीक है। बाकी साफ सुथरा का ध्यान देना है। ये रहा इसका गैसकेट, इसको लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये लीकेज कर सकता है यहाँ से चैम्बर लगाने पे, तो आपको करना क्या है ना, आपको करना क्या है, इंसुलेशन भी यूज कर सकते हैं और ग्रीस भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से एक चीज़ कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हम फिलहाल यहाँ पे हमको लगा लीकेज होने का चांस है, इसलिए जगह सुलेशन यूज किए वरना नहीं करते। अंदर का काम कंप्लीट हो गया है, सिर्फ आपको चैम्बर लगा देना है, चैम्बर लगाने से जो बात का ध्यान देना है वो आप ध्यान दीजिएगा, ताकि दिक्कत नहीं हो। लगा देना है, ठीक है, ये पूरा चैम्बर बैठ चुका है, इसमें करना है जितना बोल्ट है इसका सब लगाना है आपको, इस साइज का बोल्ट को आपको इस जगह दो जगह फुट करना है, ठीक है। लेकिन थोड़ा थोड़ा सबको फंसा ही लिया कीजिए ताकि सेंटर आउट ना हो, सबको क्रीज क्रॉस टाइटन से ही आपको टाइट करना है, एक साइड से आप टाइट कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ये बोल्ट आपका एक यहाँ लगेगा, वो खुद अपने आप लगना चालू हो जाता है, आप गलत बोल्ट भी लगाइएगा ना सर तो नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ इस बड़ा वाला को लगा रहे हैं तो ये नहीं लगेगा, यही छोटा वाला ही यहाँ पे लगेगा, ये देख रहे घुस गया ना खुद से, सेम यहीं पर यहाँ पर देखे ऊपर में, ठीक है। यहाँ पर कुछ बड़ा है कुछ छोटा है, दो बड़ा है और सब छोटा है, ठीक है। तो इसको भी लगाने का तरीका है, आप देखिए खुद बखुद लगेगा, यहाँ तो बड़ा लगेगा ही नहीं, ठीक है। देखिए जितना निकल गया तो आप समझ सकते हैं, फिर वही हम इससे छोटा वाला घुसाएंगे यहाँ पे तो ये इजीली घुस जाएगा। सेम ही जगह प्रोसेस ये जगह भी अप्लाई होगा। ये रहा लार्जर साइड, देखिए बड़ा साइड ये यहाँ पे रहा और एक नीचे में यहाँ पे, ठीक है बड़ा साइड। बाकी आप इस जगह फुट कर सकते हैं, देखें वाला दो बड़ा यहाँ पर रहेगा, जो बड़ा बड़ा है एक छोटा यहाँ पर रहेगा, बाकी सब जगह पुट कर दीजिए, एक छोटा यहाँ पे, दो बड़ा बड़ा जो बोल्ट है इसको यहाँ पे एक लगाना है, एक यहाँ पे लगाना है, बाकी सब जगह जितना है वो सब सेम साइज आपको पुट कर सकते हैं, अंदर वाला भी इधर भी कोई इशू नहीं होगा आपको। सबको टाइट करने समय आपको कुछ बात का ध्यान रखना है, एक साइडेड टाइट नहीं करना है कि हम यहाँ टाइट करें फिर इसको करें, ऐसा नहीं, इधर करना है फिर इसके बाद आप, ताकि इसका चैम्बर का पोजीशन जो है एकदम एक्यूरेसी में बैठे और लीकेज का समस्या नहीं है, ठीक है। फिर फाइनल में आप मार सकते हैं, देखिए ऊपर नीचे इस तरह करके आप टाइट किया कीजिए, ठीक है, ताकि कभी भी कोई इशू नहीं है, ईजिली बैठ जाए। इंजन वाली इसका कुछ दिन पहले चेंज हुआ था, इसलिए इसका इंजन वाली चेंज नहीं होगा।
ब्रीदर पैक इसको लगा लेते हैं। और इसका एक कनेक्शन इसको भी उधर लगाते हैं। क्या छोड़िएगा, कहाँ जाना है? अरे चल नहीं ना पहले सुबह सुबह तो। सुबह सुबह घूमते चल लिए क्या के फिर होता है तो आइए ना थोड़ा देर में आइए, आधा घंटा में आइए ठीक है। इसको टाइट कर लेना जिस तरह आप खोले थे, मीन्स खोला गया है उस तरह आपको टाइट भी कर लेना है। आपको चेक कर लेना है टच ना हो, टच जो हो रहा है यहाँ जो किक टच हो रहा है ये नहीं होगा टच, ये आपको थोड़ा सा पीछे करना है। चलिए इसमें कोई इंजीनियरिंग है नहीं, पीछे चक्का का फिट करते हैं। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।